हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, ये मेरा सेकेंड Q&A वीडियो है जिसमें मैंने बचे हुए सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लिया है। तो इसके बाद मेरे ख्याल से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का Q&A वीडियो। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो बी क्रेजी करके एक यूट्यूबर हैं, इनका क्वेश्चन है और ये पूछते हैं कि तुम्हारी एज क्या है। तो वैसे तो कहा जाता है कि लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछनी चाहिए, बट अब पूछ ही ली है तो बता ही देते हैं कि 20 कंप्लीट कर चुके हैं और 21 की ओर बढ़े चले हैं। हाँ, कि 20 कंप्लीट कर चुके हैं और 21 की ओर बढ़े चले हैं, और ये जो नया साल आ रहा है वो हमारी एज को ही तो दर्शा रहा है। तो आई होप यहाँ से आपका क्वेश्चन क्लियर होगा और इसके बाद आप लोग मेरी एज कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है कैके सेनापति, और ये पूछती हैं कि दी आपका एम क्या है। तो डियर, अगर मैं अपने एम की बात करूं तो मेरा कोई बहुत बड़ा एम नहीं है। लाइक मुझे IAS ऑफिसर बनना है या IPS ऑफिसर बनना है या फिर CA बनना है वगैरह वगैरह। हाँ, बट आई वांट टू बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल राइटर एंड आई आल्सो वांट टू बी अ सक्सेसफुल यूट्यूबर। बट इसके अलावा भी मेरा मेनली फोकस जिस चीज़ पर है वो ये है कि मुझे अपनी लाइफ में बस इतना सक्सेस होना है कि मेरी फैमिली के अलावा भी जो भी इंसान, जो भी पर्सन मुझसे पर्सनली अटैच्ड है, उस हर एक इंसान को, हर एक पर्सन को मुझ पर प्राउड फील हो। और जिस दिन मैं इतना सक्सेस हो गई उस दिन मैं मान लूँगी कि मेरा एम कम्प्लीट हुआ, और यही मेरे लिए एक रियल सक्सेस है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है गीतिका सिस्का, और ये पूछती हैं कि आपकी एज क्या है। तो डियर, इसके बारे में मैंने रिसेंटली अभी बताया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछती हैं कि आप कहाँ रहते हो। तो डियर, आई एम फ्रॉम MP। और थर्ड क्वेश्चन है इनका कि आपका BF है। तो इसके बारे में मैंने जो Q&A वीडियो का Part 1 है उसमें बताया हुआ है। अगर आपने वो Part 1 नहीं देखा है तो उसे एक बार ज़रूर देखें। और फिर इनका अगला क्वेश्चन है, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है ये वीडियोस बनाने का। तो यार, ये क्वेश्चन तो पूछने लायक है ही नहीं, क्योंकि हमारा मोटिवेशन है आप लोग, यानी कि हमारे सब्सक्राइबर्स से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। आप लोग जो प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं, हमारी वीडियोस को इतना लाइक करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और काम करने के लिए एक नई एनर्जी मिलती है। तो बस आप लोग ही हमारा मोटिवेशन है, और अपना प्यार, अपना सपोर्ट ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखें बस। तो अगला क्वेश्चन है इन्हीं का कि आपका गोल क्या है। तो इसके बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन है इनका कि फेस रिवेल कब करोगे। तो यार, ये मोस्टली जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, उनका कॉमन क्वेश्चन है कि आप फेस रिवेल कब करोगे। तो इसके बारे में रिसेंटली तो अभी मैं कुछ नहीं बता सकती, बट करेंगे, जल्दी ही करेंगे। इसके बारे में भी कुछ ना कुछ सोच के रखा है, बट बताते हैं फिर, जल्दी ही बताते हैं और फेस रिवेल भी जल्दी ही करेंगे। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारी रवीना नायक सिस्का, और ये पूछती हैं कि दी, आप कब से पोइट्री करते हो और आपने अपनी पोइट्रीज़ की शुरुआत कहाँ से की थी। तो डियर, ऐसा है कि मैंने अपनी फर्स्ट पोइट्री 11th क्लास में लिखी थी, जो कि मेरी माँ के ऊपर थी। और इस पोइट्री की कुछ लाइन्स इस प्रकार थी कि कितनी प्यारी होती है माँ, कितनी न्यारी होती है माँ, हाँ कि कितनी प्यारी होती है माँ, कितनी न्यारी होती है माँ, बच्चे का प्रथम गुरु होती है माँ, कि बच्चे का प्रथम गुरु होती है माँ और अच्छा बुरा सब सिखाती है माँ, कितनी प्यारी होती है माँ, कितनी न्यारी होती है माँ। तो ये मेरी फर्स्ट पोइट्री थी, और उस टाइम पे मुझे कुछ भी लिखना नहीं आता था। हालांकि आता तो आज भी नहीं है मुझे कुछ भी, मतलब ऐसे कोई मैं प्रोफेशनल राइटर नहीं हूँ। बस जो भी मेरे माइंड में, मेरे दिल में जो भी फीलिंग्स होती हैं, मैं वो आप लोगों के सामने एक्सप्रेस करती हूँ, दैट्स ऑल। तो ये हो गया रवीना सिस्का का क्वेश्चन। चलिए फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं।
और अगला क्वेश्चन है स्टार शुभ का, और इनके कोई दो तीन क्वेश्चन नहीं है, इन्होंने इकट्ठे 10 क्वेश्चंस पूछे हैं। तो चलिए धीरे धीरे इनके क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। और इनका फर्स्ट क्वेश्चन है, यूट्यूब का आइडिया कहाँ से आया? तो ऐसा है कि YouTube के लिए मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि अगर तुम इतने अच्छे अच्छे पोइट्रीज लिख लेते हो तो तुम्हें YouTube पे ट्राई करना चाहिए, अगर लोगों को पसंद आता है तो तुम्हें प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और सबसे मेन चीज़ एक आइडेंटिटी मिलेगी। तो फिर मैंने सोचा और फिर मैंने YouTube स्टार्ट कर लिया। फिर सेकेंड क्वेश्चन इन्हीं का है कि चैनल का नाम उमंग क्यों रखा? तो इसके बारे में मैंने फर्स्ट Q&A वीडियो में बता दिया है। थर्ड क्वेश्चन है, कहाँ से हो? सो आई एम फ्रॉम MP। फोर्थ क्वेश्चन है, पोइट्री का आइडिया कहाँ से आता है? तो भाई पोइट्री का तो ऐसा है कि यहाँ से भी आता है और वहाँ से भी आता है, हाँ कि यहाँ से भी आता है और वहाँ से भी आता है, और जहाँ जहाँ से हम चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं वहीं से हमें पोइट्री का आइडिया आ जाता है। तो ये चीज़ हो गई। और फिर अगला क्वेश्चन है, निकिता दी तुम्हारा फ्रेंड है? तो यार ये तो कोई सेंस वाली बात ही नहीं हुई। ऑब्वियसली सबके फ्रेंड्स होते हैं और मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि यार वो ज़िंदगी ही क्या जिसमें फ्रेंड्स ना हो। तो फिर अगला क्वेश्चन है इन्हीं का कि फेस रिवील कितने सब्सक्राइबर से करोगे? तो यार नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है मेरा गोल कि इतना सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं फेस रिवील जाके करूँगी, बट सोच रखा है कुछ इसके बारे में भी। तो फिर जैसे फिर होता है तो फिर करते हैं, जल्दी ही करेंगे लेकिन करेंगे। और फिर अगला क्वेश्चन है कि जान सकता हूँ एज कितना है? तो आप लोग जान चुके हैं कि एज कितना है। और फिर अगला क्वेश्चन है, फैमिली में कौन कौन है? तो मेरी फैमिली में रिसेंटली 4 मेंबर्स हैं, मेरी मम्मी हैं, पापा हैं, मेरे बड़े भाई हैं और मैं हूँ, हम 4 ही लोग हैं। हालांकि चाचा चाची हैं, उनके बच्चे हैं, बट वो लोग अलग रहते हैं। तो अभी हम लोग जो एक घर में रहते हैं, जो फैमिली में रहते हैं, तो 4 ही लोग हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, मेरे बड़े भाई और मैं। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद फिर इनका क्वेश्चन है कि इंस्टाग्राम पे कब ऑनलाइन आते हो? तो ऐसा है कि भाई इंस्टाग्राम पे मैं ऑनलाइन बहुत कम आती हूँ, इंस्टा पे मैं सिर्फ पोस्ट अपलोड करने के लिए आती हूँ, उसके अलावा मैं इंस्टा पे ऑनलाइन नहीं आती हूँ, क्योंकि टाइम भी नहीं मिलता है फिर यूट्यूब को मैनेज करना, स्टडी को मैनेज करना, तो फिर टाइम नहीं मिल पाता है उसके लिए। और फिर अगला क्वेश्चन है, हम सबके कमेंट्स कैसे लगते हैं? तो यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आप लोगों के कमेंट्स मुझे कितने अच्छे लगते हैं मैं क्या बताऊँ। आप लोगों के जितने भी कमेंट्स होते हैं, जो भी प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं, मैं सबका स्क्रीनशॉट ले लेके रख लेती हूँ, और उन्हें बाद में बहुत मतलब जब भी मन करता है, जब भी डिमोटिवेट होती हूँ या कुछ भी होता है, तो मैं सभी कमेंट्स को पढ़ती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देख के, आप लोगों का प्यार देख के, आप लोगों का सपोर्ट देख के। तो चलिए फिर इनके क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं समाप्त, और फिर हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किसका है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारी प्रीति सिस का, जिसमें ये कहती है कि मैं अपनी BFF से बहुत प्यार करती हूँ, उसको खोना भी नहीं चाहती, बट यार हम लोग में बहुत झगड़ा हो जाता है और मेरे को उससे एक क्वेश्चन पूछना है, बट वो साफ साफ मना कर रही है कि हम नहीं बता सकते, और अगर बताएंगे तो फिर दोस्ती ख़त्म, तब सोच लो तेको क्या सिलेक्ट करना है। तो यार मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ। तो प्रीति डियर देखो, ऐसा है कि इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, अगर आपको ठीक लगे तो, कि देखो यार अगर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है तो बेस्टी को भूल जाओ, और अगर बेस्टी इम्पॉर्टेंट है तो क्वेश्चन को भूल जाओ। सिंपल सी बात है, इसके अलावा इस चीज़ का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर आप कहते हो कि हम दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता है, तो मैं यार यही कहूँगी कि वो दोस्त ही क्या जो झगड़ा ना करे, हाँ वो दोस्त ही क्या जो झगड़ा ना करे, और वो बेस्टी ही क्या जो गुस्सा ना करे। यार उसका हक है आपसे गुस्सा होना, आपसे रूठना, और आपका हक है उसे मनाना, बिकॉज बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में यही होता है कि अगर एक गुस्सा होता है तो दूसरा उसे मनाए। और आप टेंशन ना लें, थोड़ा सा टाइम दे अपनी फ्रेंडशिप को, बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्का सिस्का, ये पूछती हैं कि व्हाट फ्रेंडशिप मीन टू यू?
तो अगर आप मेरे अकॉर्डिंग फ्रेंडशिप को जानना चाहती हैं तो मैं बस 3 लाइंस कहूँगी कि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जो बातों से नहीं जज्बातों से बनता है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जो दिखावे से नहीं एहसासों से बनता है। और दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जिसके आगे इस दुनिया का हर रिश्ता लगता है फीका। सो दैट्स कॉल्ड फ्रेंडशिप। और अगला क्वेश्चन जो इन्हीं का है कि आपका फेवरेट टॉपिक जिस पर आपको पोइट्री लिखते हुए अच्छा लगता है, तो इसका आंसर भी वही होगा, फ्रेंडशिप। मुझे फ्रेंडशिप पे पोइट्रीज लिखना बहुत अच्छा लगता है और आपको मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा पोइट्री वीडियोस जो मिलेंगी वो फ्रेंडशिप पे ही मिलेंगी। तो ये हो गए कनिष्का सिस के क्वेश्चंस। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है प्राची अग्रवाल का। इनका क्वेश्चन है कि आप क्या बनना चाहते हैं लाइफ में आगे। तो डियर, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले दे दिया है वीडियो के स्टार्टिंग में ही। और फिर अगला क्वेश्चन है साफ़ी गुल इस्लाम का। इनका क्वेश्चन है कि क्या आप अपनी बेस्टी से डेली बात करते हो। तो डेली तो नहीं हो पाती है, मतलब कि कॉल पे हम लोगों की बात डेली नहीं होती है। हाँ, हालांकि व्हाट्सअप पे हम लोगों की रोज़ बात होती है, बट कॉल पे कभी कभार हो पाती है क्योंकि उसे भी यूट्यूब का काम रहता है, स्टडी मेंटेन करना होता है, मतलब सब कुछ मेंटेन करना होता है। और मुझे भी यूट्यूब के साथ साथ स्टडी और घर के बाकी काम भी मेंटेन करने होते हैं, तो उतना टाइम नहीं दे पाते हैं कि हम लोग डेली बात करें। लेकिन हाँ, व्हाट्सअप पे हम लोगों की डेली बात होती है और कॉल पे फिर कभी कभार होती है। तो ये हो गया इनका आंसर। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मेरी डायरी मुकेश जो एक यूट्यूबर हैं उनके द्वारा पूछा गया है। और ये पूछते हैं कि आप इतना प्यार क्यों करते हो। और इन्होंने लिखा है कि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बेहुदा लग सकता है, बट मैंने लोगों से थोड़ा सा हटके पूछा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा आंसर है कि जब हमारे यूट्यूब पे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो इतनी प्यारी प्यारी बहनें हैं, इतने प्यारे प्यारे भाई हैं जो हमें इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो भाई बदले में हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। हाँ, बनता है ना। तो बस यही था आज की वीडियो में। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पे एक छोटू सा प्यारा सा कमेंट छोड़ के ज़रूर जाएं।